हाँ भैया ये सांप देखिए, सांप का दो बच्चा। अजगर नहीं, नहीं अजगर नहीं है भैया, नहीं नहीं नाग नहीं है ये सांप का नाम हम लोग हिंदी से बोलते हैं बहिरा मॉल में फिल्म बड़ी छोटा जी। इसका नाम है बुधनी और इसका बुधना गया भैया टाटा टिस्को कंपनी में काम करने के लिए, अभी नहीं आया है, मकर संक्रांति में आएगा, अभी नहीं आया है। लेकिन ये सांप जो देख रहे भैया ये सांप बहुत सीधा सांप है, ये सांप पतला आदमी को काटेगा तो मोटा बना देगा, जहर रहता है ना, मतलब ये सांप का काटने से जल्दी नहीं मरे, ये सांप का काटने से आदमी का मांस बदन शरीर फूल जाता है और सरसर के गलगल कर झरझर कर गिरता है, ये सांप का काटने। लेकिन ये सांप इधर में लेके भी ये सांप को लो हम बंद कर देते हैं, इधर भी होता है, होता है इधर में बहुत लोग सियार चंदा करते हैं। हाँ। अच्छा लो ये सांप को बंद कर दिया भैया, एक सांप देखिए बाहर वाला सांप, साउथ वाला देखिए भैया आंध्र सॉरी ये तमिलनाडु राज का सांप देखिए, जिस सांप का नाम तेरे नाम है, हाँ भैया देखिए तेरे नाम इसलिए रखे है ना कि सांप का माथी में जट निकला है, चुंदी निकला है, जैसे आदमी का चूल है ना उसी तरह ये सांप का माथा में देखो डबल चोटी निकला है। हाँ देखिए, चलो जी नाग बाबा तैयार हो जाओ, सूंघ ले और थोड़ा मत तो हो जाओ और काटा काटी मत करना नाग बाबा, और काटना उसी आदमी को जो ज्यादा दारू पीकर झगड़ा करता है। नहीं अभी कनक नाम है जो नहीं 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 अभी नहीं काटेगा, हम पकड़ दियो का अभी हम जड़ी सोना के निकाल गए, अभी नहीं काटेगा। जय देखिए कौन सांप है, देखिए सांप का माथे में देखिए चुंदी निकला है, ये देखिए नहीं गोमन नहीं है भैया, ये सांप ये देखिए तमिलनाडु राज का सांप है जहाँ हिंद महासागर का नाम से जाना जाता है, कन्याकुमारी। ये सांप वहाँ का है, ये सांप का नाम हम लोग हिंदी से बोलते हैं भैया शिव जटाधारी, ये सांप बच्चा है, ये सांप का माँ बाप लंबाई तकरीबन 22 हाथ 16 हाथ 18 हाथ 20 हाथ का लंबा लंबा, ये सांप यहाँ से लेकर के घर का दरवाजा इतना दूर लंबा होता है। ये सांप जब बड़ा बड़ा होता है, ये सांप बड़ा बड़ा होता है तो जंगल में छोड़ देते हैं, नहीं रखते भैया, इसलिए कि 8-10 हाथ लंबा होने के बाद ये सब टोकरी में नहीं हटेगा, हटेगा जी, ये सांप मोटा मोटा हो जाएगा इसलिए सांप को जंगल में छोड़ देते हैं, ये बड़ा नदी होकर कहीं बड़ा तालाब नदी डेम में समुद्र में चला जाता है। ये सांप का नाम बोलते हैं शिव जटाधारी, ये सांप इधर का नहीं है क्या, जैसा सांप इधर में देखे हैं नहीं, ये दा सांप ये वाला काट लेगा आदमी को ना भैया तो सर्दी खांसी जाड़ा बुखार मलेरिया नहीं आएगा, सही बात आ रही है, एक बार काट लेगा ना भैया तब कोरोना भी नहीं आएगा, एक ही बार में सब आ रहा है। हाँ मजाक नहीं कर रहे भैया, विश्वास नहीं है तो एक बार कटवा के देख, आज नगद नहीं उधारे कटवा देंगे, ये कोरोना का टीका भी लगाने का जरूरी नहीं पड़ेगा सर, एक बार में सब आराम। चलो जी नाग बाबा तैयार हो जाओ, सुंग ले और मस्त हो, देख लो रे भाग रहे एक आठ है, नहीं नहीं भागो, ये देखिए सांप झारखंडी सांप, हाँ भैया ये सांप को हमने दनिया स्टेशन के पास में पकड़े, हाँ वहाँ मिलिट्री कैंप में दिया उस रसोई घर में पकड़े हमने, कैसे लेगा हो नाग बाबा और सांप, और कैसे लेगा एक बार, ये काट लेगा ना भैया तो सर्दी खांसी जाड़ा बुखार मलेरिया कोरोना सब दूर, कोरोना होगा भैया एक बार में सब आ रहा हूँ, और कैसे लेगा एक बार, हाँ देखो और कैसे लेगा एक बार, ए हाँ इसी का नाम नाग सांप कहते हैं, गोमन कहते हैं ना, लेकिन ये सांप को हम लोग जड़ी से बस करते हैं भैया,
और सांप रखे हम लोग आदमी जमा करने के लिए, भीड़ करने के लिए। हम लोग का मेन काम है भैया जड़ी बूटी ताबीज बनाना। हम लोग ये सब जड़ी को डालकर हम लोग ताबीज बनाते हैं। ये सांप का नाम गोहमन कहते हैं। ये लीजिए, सांप को बंद कर देते हैं भैया। एक सांप देखिए 17 साल का नागिन, जो 100 बरस होती है तो आदमी का रूप धारण कर लेती है। ये एक सांप दिखाएंगे राजस्थान का सांप, जिस सांप का देखो 2 मुंडी और 4 आंख होता है। हाँ, और एक सांप दिखाएंगे भैया, एक सांप दिखाएंगे उड़ने वाला सांप। लेकिन पहले देखिए 2 मुंडी 4 आंख, ये देखिए, हल्ला नहीं करो मैया बाबू, उड़ तो। ये देखिए सांप है भैया। लेकिन ये सांप के बारे में हमने बताया, जड़ी रहेगा सांप नहीं काटेगा। पकड़ने में जाना भैया, पकड़ने जाओगे भैया तो काट लेगा, मर जाओगे। सांप पकड़ने का कोई दवाई नहीं मेरे पास। सांप पकड़ना भैया तरीका है, कला है, बुद्धि है, टेक्नोलॉजी है। सांप पकड़ना कोई जड़ी नहीं है भैया। लेकिन हाँ, जड़ी में रहेगा सांप नहीं काटेगा। घर मकान रूम में कभी कभी सांप घुस जाता है, जाने में डर लगता है। ये जड़ी देंगे, ले जाइए, एक गिलास पानी में दवाई को धो देना मेरा। लेकिन एक जड़ी नहीं, मेरा पास में बहुत सारा जड़ी है सर। लेकिन बहुत सारा जड़ी, लेकिन देखिए जड़ी के अंदर में 3 जड़ी बताए। हाँ, ये सांप देखिए 2 मुंडी वाला, ये देखिए, ये सांप 6 महीने इधर से खाएगा, पिएगा, चलेगा, लड़ेगा। और जब 6 महीना हो जाएगा ना भैया, ये बंद हो जाएगा, ते वाला मुंडी चालू हो जाएगा। जब ये वाला मुंडी चालू हो जाएगा भैया, ते वाला बंद हो जाएगा। ये सांप जो देख रहे भैया, ये सांप का हड्डी और कांटा नहीं है। ये सांप को रस्सी ऐसा बांधोगे भैया तो बंधा जाएगा। अगर आप लोग का पास में गाय भैंसी बकरी रस्सी है नहीं है, ले जाओ, एक नंबर काम आएगा रस्सी बांधने का। और ज्यादा जोर से मत टांगने तो गोमिया में बंटवारा हो जाएगा। सही बताइए, मजाक नहीं कर रहे। इसी का नाम बोलते है दुमुहा सांप, और सूरजमुखी सांप रखते है। ये सांप इधर का नहीं है, ये सांप जो देख रहे हैं सर, ये राजस्थान का सांप है, 2 मुंडी और 4 आंख वाला। ये सांप राजस्थान में पाया जाता है। ये लिए सांप, इसको बंद कर दीजिए। ये देखिए, चलो जी नाग बाबा तैयार हो जाओ। हाँ जी, कोई ताबीज बनाएगा, कहेगा, बोलेगा बना दो तो बना देंगे सर। ये ताबीज बनाने से 50 रुपए लेते हैं। आपने बांधिए, बच्चे के लिए बांध दीजिए। हाँ भैया, ये सांप देखिए उड़ने वाला सांप। हाँ देखिए, इसी का नाम बोलते है, देखिए नहीं जाएगा, नहीं जाएगा मुझे। हाँ, ये सांप देखिए सर, ये गाछ में रहने, ये पेड़ में रहता है, ये गाछ में पेड़ में रहेगा, डाल डाल के देखता है। ये डाल सो डाल, लो डाल सो डाल, उड़ जाता है। ये गाछ में रहने वाला, ये इसी का नाम बोलते है राम चरण नागिन कहते हैं। ये सांप जो देख रहे हैं सर, ये राजस्थान में पाया जाता है। ये सॉरी, ये सांप जो देख रहे हैं सर, ये पेड़ पौधा में पाया जाता है। ये सांप का नाम चांद्रा नागिन कहते हैं। हाँ, ये लीजिए, सांप को भी बंद कर देती, अन्य तो ताबीज बनाएगा, कहेगा, बोलेगा बना दीजिए तो बना दीजिए। मोटा का सांप रात अंधेला में चलते हुए जंगल पहाड़ में रहते हैं, खेती बारी काम करते हैं। जड़ी रहेगा सांप नहीं काटेगा, ऐसा ऐसा सांप से जीवन बचा देगा, ऐसा ऐसा सांप नहीं काटेगा। इसी का नाम बोलते है नाथ, इसका नाम बोलते है करई। बहुत से लोग इधर में गरेत भी कहते हैं। अरे ऐसा ऐसा सांप से जीवन बचा देगा भैया, 50 रुपए का नाम भूल जाओ, न तो काट लिया उंगलिया में ना, तो हजर बगिया गाना भूल जाओगे, भोजपुरिया गाना स्टार्ट हो जाएगा, पवन सिंह और खसड़िया वाला, बिना चिप्स का बिना नेट का गाना चालू हो जाएगा भैया। हाँ, मजाक नहीं कर रहे, इतना प्रकार का जड़ी बता दी। हाँ, ये सांप देखिए, इसी का नाम नागिन। का हो नागिन रे? हाँ देखिए, इसी का नाम नागिन है। ये वाला काट लेगा ना भैया तो डायरेक्ट नौकरी मिलेगा, बिना घूस वाला, इसमें घूस नहीं लगेगा। ये नागिन है। और ये जो दिखाएंगे नाग है, ये देखिए, ये वाला दिखाएंगे नाग है।
ये नाग और नागिन में दोनों में अंतर है बाबू। ये देखिए ये नागिन है, नागिन है। अरे थोड़ा बाहर निकल रहा हूँ। हाँ ये देखिए नागिन है और ये नाग है ना भैया लाल।